देखो भाई खजाना। ओके मैं कह दूंगा। ओके भाई तो हमें एक्चुअली परमिशन लेने के लिए बोल रहे थे। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेस्ट शिफ्टर्स इंडिया। तो आज शाम को व्लॉग बनाना अभी मुझे टाइम मिला है। तो एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, यहाँ से कैंप जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए। तो वो मैं आपको वहाँ डायरेक्ट जाके ही बताऊँगा, क्योंकि मतलब सरप्राइज रहेगा तो अच्छी बात है। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जो मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ वो मेरे बाइक राइडिंग रिलेटेड भी हो सकता है या व्लॉगिंग रिलेटेड। और सनी भाई अपना इंडियन ऑयल ट्रैवलर, तो अभी वो आ रहे घर के बाहर या फिर रोड पे मुझे लेने के लिए। तो मेरे एप्रिलिये पे जाएंगे या तो भाई के एक्सेस पे जाएंगे, पता नहीं। तो अभी निकल रहे हैं तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे डेस्टिनेशन में मिलते हैं। और पीछे आपको कुछ दिख रहा होगा। गाइस तो ये रहा सनी। सनी आ गया इधर। कहाँ जाना? कहाँ तक जाना? ऐसे तो जाना। ठीक है चला मैच ला। हाँ तो हम अप्रैलिया पे ही निकल रहे हैं अभी। तो सनी भाई चलाएंगे तो मैं पीछे बैठूंगा और आपको हम सीधा मिलते हैं डेस्टिनेशन पे। चलो ओके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैंप के गुरुद्वारे आया हूँ बोले टाइम बाद। वाहेगुरु इधर लो कितने। तो यहाँ पे शूज़ उतारते हैं, फिलहाल अभी सेल्फ सर्विस है, नहीं तो सारे यहाँ पे वैसे सेवा करते हैं। तो आपको वहाँ पे शूज़ बस स्टैंड पे रखने होते हैं। आपको टोकन मिल जाता है नंबर का, तो वो आपको रिटर्न में जैसे वहाँ रखते हैं सामने, तो वो आपको जब आप टोकन दोगे तो आपको रिटर्न में मिल जाता है। सनी की शादी यहीं हुई थी इसी गुरुद्वारे में, और यहाँ पे पूरा हॉल जैसे बनाया होता है यहाँ नीचे। तो ये लंगर घर है। तो अभी तो फ़िलहाल शायद नहीं होता होगा प्रोग्राम वगैरह। प्रोग्राम होता है मतलब लंगर नहीं, अभी शायद शुरू नहीं हुआ है। तो कब होता है हमें पता भी नहीं है। संडे कभी राइड पे निकल जाते हैं या फिर शिफ्टिंग का जो काम होता है उसके लिए चले जाते हैं। अभी मुझे रुमाल बांधना है सिर पे। आप बिना रुमाल बांधे गुरु घर में अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। तो अभी काली फोटो आ रही है। ठीक है ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਿਓ, ਖਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਆਪੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 2017 ਚ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ।
तो हमें एक्चुअली परमिशन लेने के लिए बोल रहे थे, अगर आपको गुरुद्वारे के अंदर का कुछ दिखाना है तो आप परमिशन ले लीजिए। तो वो हमने कॉल करके, जो उन्होंने बताया था यहाँ के जो मेन प्रधान है, बोले एक बार उनसे कॉल कर लो। तो सनी भाई ने बात कर ली तो बोले आप फिर अंदर का शूट कर सकते हो, तो परमिशन मिल गई है, तो बड़ी अच्छी बात है। हम इस बारे में एक्चुअली पहले पता नहीं था, अभी आपको दिखाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े टाइम बाद आया हूँ गुरुद्वारा में। गुरु प्रसाद मिल गया जो खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है हमें, और हमने पूछा भी कि लंगर का तो अभी कुछ शुरू नहीं है वैसे प्रोग्राम्स वगैरह, तो बाद में जब होंगे तब लंगर सकेंगे। होटल से भी ज़्यादा खाने के लिए मज़ा आता है हमें वहाँ पे। तो लाइट थोड़ा कम है यहाँ पे, तो मत्था टेक लिया है अभी, जो लेने जा रहे हैं अभी निकलते आगे चलते हैं। चलो तो हम पहुँच गए हैं, बस यही सामने है। लाइट्स वगैरह तो ऑफ दिख रही है, हाँ यहाँ पे लाइट कम है पहले। तो ये रही शॉप, ड्रीम सुजुकी आए हम, यही रहा, आप देख सकते हो कैंप में है ये। सत श्री अंकल जी, की हाल थोड़ा? बढ़िया, आप बताइए। हाँ व्लॉग बना रहे बस, काम चल रहा है। अच्छा, अच्छा मैं बोला यहाँ पे बाइक्स कहाँ गए? अच्छा अभी काम चल रहा। अच्छा चलो बढ़िया। हाँ जी पता है, पता है ऊपर है। अच्छा चलिए, वर्कशॉप भी साथ में है। अच्छा विजिट नहीं किया होगा तो अभी तक? नहीं अभी तक नहीं। मिल क्या रहा होगा? हाँ क्या सही है फिर तो। अच्छा Alpine में ऐसे भी शूज आ गए? हाँ ये कैजुअल शूज। क्या प्राइस है इसका? 20,000 CRX। ये वाला होगा। और राइड पे जा रहे हैं नहीं आजकल? बिल्कुल जा रहे हैं। अच्छा तो मतलब राइड देना साथ में, अभी व्लॉग स्टार्ट किए हैं ना। अच्छा व्लॉग भी कर रहे हैं? गुड व्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी आपका भी डाल देंगे। 11,000 में एयरबैग कंपैटिबल विद हम पीछे। अरे वाह, हां Made in India. सही। Alpine सर है, ऑल वेदर है, कैसा चाहिए? DSG ना बनी? DSG हाँ। इसका क्या प्राइस है? किसका? ये है 22,000 का, ये वो है एयरफ्लो, एयरिंग कॉलर्स के लिए। क्या बेचता है? 34 तो 36 आएगा। टूरिंग चाहिए क्या? नॉर्मल वीकेंड राइड्स बस। तो ऑल वेदर DSG दिखा दो, नहीं तो DSG ईवो प्रो है, मतलब नैरो वगैरह है ना नीचे से। मैंने डाइनीजी के लिए थे बूट्स राइडिंग के,
नेक्सस है मेरे पास, नेक्सस ये अपना है डीएलसी का लेवल 2 टूरिंग पंच 10,000। ईवो प्रो चाहिए मुझे, साइड स्लाइडर वाला, स्लाइडर वाला चाहिए क्योंकि वो लुक उसका बढ़िया है इसलिए। ठीक है, ईवो प्रो 36 एक है मेरे पास। इसमें कलर चेंज हो गया? नहीं वही वो पुराना वाला है ना, ये वाला। हाँ ये फुल ब्लैक ही चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गर्मी कम लगेगी। अच्छा ये जो है ना 10,000 का है, ले लीजिए। वो 8.5 का है, उसका तो डिस्काउंटेड प्राइस पता है मेरे को। डिस्काउंटेड प्राइस है उसका, देंगे देंगे आपको उस पे 50% डिस्काउंट। 50 नहीं जो है ले आ, खत्म हो गया साइजेस का, टू कट अभी खत्म हो गया। इसमें क्या है, क्या है 36 है ना, 36 नहीं 32 34। मणि तू पाके देख क्या करियो, कंधे भी बड़ा हो रहा ना, दो साइज बड़ा आएगा भाई मेरे। अच्छा मैं ठीक है ट्राई करके देखता हूं, थोड़ा लूज रहूंगा ता भी चंगा होगा। मणि ये 36 है। हां देख स्लाइडर है ना, तो दूसरा मिलेगा पहन के देख चाहिए। तो ये रही राइडिंग पैंट डीएजी की, मैं एक बार 36 है तो एक बार ट्राई करके देखता हूं। हां देख लो ना, फिर देखते हैं 32 34 कौन सा सही आ रहा है। 34 नहीं है पर इधर जो नी है ना थोड़े थल्ले हो गए, दूसरा देख ला 34 है ना, 34। तो डीएजी की पैंट मैंने परचेस कर ली है, ये ईवो प्रो है डीएसजी की, एक आती है ईवो 2 प्रो, तो ये परचेस की है। तो 36 साइज मैंने लिया, उन्होंने बोला 2 साइज बड़ा ही लो, तो जब बैठते हैं तो ये नी गार्ड जो है ना तो वह बराबर सही आ जाते हैं। और जो भी है डिस्काउंटेड प्राइस है इनका, और ये मुझे जो पड़ेगी 6,000 में है ये, एंड विथ स्लाइडर्स है, वो न्यू जो पैकेट है उन्होंने न्यू पैक निकाल के रखा है। तो ये ऐसा जो है ना ये स्लाइडर्स आ जाते हैं साइड में, तो ये कैसा है कि जो रेसिंग सूट है ना वैसा लुक आ जाता है। और मेरे जैसे डाइनीजी के बूट्स है, अभी ये निकल नहीं रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा। तो ये स्लाइडर्स आ जाते हैं, तो इसको भी मैं कुछ चेंज करूँगा जब मैं खरीदूँगा अभी। तो 6,000 में पड़ा है मुझे, तो ये स्लाइडर्स मेन है, तो मेरे जो डाइनीजी के बूट्स है वो पूरा ऐसा रेसिंग सूट जैसा लगेगा, तो ये मुझे चाहिए था और मैं बहुत खुश हूँ। के पास है ऐसा गोस्ट कंपनी का ना, okay. जिसके पास हेयर पेड हो मच 6,000 कुछ नहीं, वो इतना महंगा है अब वो हाथ चल। अच्छा तो पेमेंट कर दिया है मैंने, तो डीएचजी की राइडिंग पैंट ले ली है, तो अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं। भाई यहाँ बात कर रहे हैं कुछ लेना होगा, तो ये देखिए अल्पाइन स्टार्स का राइडिंग सूट, ये ईवो प्रो की ये पूरे जैकेट्स, तो ओ ये रहा नोजन का हेलमेट, मैंने ऑनलाइन देखा था कुछ 18,000 प्राइस है इसका। तो पैंट ले ली है, तो अभी बस हम ब्लॉग को भी एंड करेंगे यहाँ से, मैं अभी निकल रहा हूँ। और जो राइडिंग पैंट का जो रिव्यू है वो मैं जब राइड पे निकलूँगा, जब पहन के जाऊँगा तब तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उस बारे में, और उसके जो अंदर क्या क्या दिया गया है उसका भी मैं ब्लॉग बनाना है इसके बाद। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो ब्लॉग्स मेरे देखते रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।